नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोर सिंह सक्सेना। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में बुधवार को मिठाई की दुकानें बंद रही, हलवाइयों की दुकानों के बाहर कढ़ाई नहीं चढ़ी तो वहीं जलेबी भी नहीं बनी। इस कारण से आगरावासी सुबह बेड़ी और कचौड़ी का स्वाद आज नहीं ले पाए। दाऊजी मिष्ठान भंडार पर वकीलों की अभद्रता और FSDA के सैंपल लेने के विरोध में आगरा स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने एक दिन की बंदी की घोषणा की थी। दाऊजी मिष्ठान भंडार के शहर में 4-5 आउटलेट है और मिष्ठान भंडार के संचालक जय अग्रवाल ने बताया है कि दीपावली से पहले एक वकील मिठाई खरीदने पहुंचे थे। मिठाई खरीदने के बाद पैसे कम करने को लेकर कर्मचारी और वकील के बीच विवाद हुआ। वकील ने विवाद के बाद पैसे तो दिए लेकिन साथ ही धमकी भी दी। मंगलवार को वकील अपने साथ FSDA की टीम को लेकर पहुंचा और नुनियाई स्थित गोदाम में छापेमारी कराई। वकील ने आरोप लगाया कि दाऊजी मिष्ठान भंडार की मिठाई खाने से तबीयत खराब हो गई है और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। FSDA ने गोदाम से सैंपल भी लिए। दाऊजी मिष्ठान भंडार पर हुई कार्रवाई के विरोध में आगरा स्वीट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लगभग 30 सदस्य एकजुट होकर सिटी मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट से मांग किया कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, इससे छवि खराब होती है। बुधवार की सुबह से ही मिठाई की सभी दुकानें बंद रहीं। हाथों में उत्पीड़न के खिलाफ पोस्टर लेकर सभी मिठाई विक्रेता सुभाष पार्क पर इकट्ठा हुए। आगरा स्वीट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सदस्यों ने पैदल मार्च भी किया और जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन भी दिया। तो जानिए क्या कुछ बोले हैं सदस्यों ने, अपनी बात रखी है, आइए जानते हैं हम सब मिलकर। मैं जय अग्रवाल, दाऊजी मिष्ठान भंडार आसमा का सेक्रेटरी। हमारी मांगे ये हैं कि जो भी विभाग को किसी भी मिठाई वाले की अगर शिकायत मिलती है तो विभाग सामने वाले दुकानदार का पक्ष जाने, उसे सोकॉज नोटिस दे, तुरंत कार्रवाई करने के लिए विभाग आ जाता है। हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता है। कस्टमर की शिकायत की जांच हो, वो मिठाई कब लेके गया, उस मिठाई की शेल्फ लाइफ कितनी थी, कितने दिन बाद वो शिकायत कर रहा है उसकी, और अगर किसी के यहाँ बाल मच्छर मक्खी इस चीज़ की शिकायत होती है तब विभाग सीधे सैंपल भरने आता है। आप हमारे यहाँ आके हमारी सफाई की जांच करिए, अगर सफाई नहीं मिलती है तो हमें नोटिस दीजिए, जो वैध जुर्माना होता है वो जुर्माना लगाइए। लेकिन किसी भी आदमी की शिकायत को सच मान लेना और उस पर दुकानदार की इतने सालों की साख पर बट्टा लगाना, इस बात का हमारा विरोध है। जैसे कल का एक जो प्रकरण हुआ उसमें कोई एक वकील साहब 15 दिन पहले मिठाई लेके गए और लड़के को 868 रुपये के 500 रुपये लेने के लिए कहा कि फूड विभाग में ले जा रहा हूँ मैं मिठाई। जब लड़के ने मना कर दिया तो वो उसी समय धमकी दे के गए थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और कल वो शिकायतकर्ता बन के संग लेके आए फूड अधिकारी को और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आप सारे सैंपल भरिए इनके, तो ये कहाँ का न्याय है, ये सरासर ब्लैकमेलिंग हो रही है। जिस हम ये मानते हैं हमारे बीच भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो गलत काम करते हैं, हम बिल्कुल उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो लोग गलत मिठाई या खराब मिठाई बना रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस निरस्त हो, लेकिन सबको आप एक लकड़ी से नहीं आंक सकते हैं। यहाँ 100-100 साल की प्रतिष्ठा लेके बैठे हैं दुकानदार। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से मिष्ठान विक्रेता ये देख रहे हैं कि कुछ अनड्यू उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है और गलत शिकायतें जा रही हैं और उन पर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जिससे कि सभी दुकानदार खुद को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। तो उसके विरोध स्वरूप आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कुछ हमारी मांगें हैं, इसको लेकर आज हम DM साहब से मुलाकात कर रहे हैं और उन पर संज्ञान ले प्रशासन और हमारी मांगों को जो हैं उन पर विचार करें। क्या कुछ अहम मांगे हैं जी? मांगे एक तो ये है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जांच हो,
की शिकायत करता कि मंशा क्या है, कई बार दुर्भावना से शिकायत हो जाती है। और इसके अलावा एकदम जो सैम्पलिंग हो जाती है वो ना हो। दूसरी बात यह है कि मीडिया में खबरें, जब तक कि व्यापारी दूषित ना हो जाए, दुकानदार दूषित ना हो जाए, तब तक मीडिया में इसकी कवरेज नहीं जानी चाहिए। उससे कस्टमरों के ऊपर, जो पब्लिक है उसके ऊपर गलत एक मैसेज जाता है और वो दुकानदार को दोषी मान लेता है, जिससे कि उसकी छवि धूमिल होती है और व्यापार भी खराब होता है। त्योहारों के समय पर तमाम ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो अभी फूड डिपार्टमेंट ने नष्ट करी थी, मिठाइयाँ उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मिठाई कई चरणों में बनती है। इसके बनने से लेकर भंडारण तक कई प्रतिक्रिया से गुजरता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है जो कस्टमर मिठाई वगैरह लेकर चले जाते हैं, वो उनका रखरखाव सही नहीं करते हैं, डब्बा बंद रहता है, सील पैक्ड रहता है, और जब वो 3 दिन या 4 दिन वो सील पैक डब्बा रखा हुआ उसको खोलते हैं तो उसमें कोई किसी तरीके की अगर खटास या फफूंद आती है, उसमें दुकानदार को दोषी मान लिया जाता है और कार्रवाई कर दी जाती है। आगरा के ऐसे नामचीन मिठाई भंडार हैं जहाँ वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए हैं, फर्जी वीडियो वायरल हुई है। कुछ पिछले दिनों देखा जा रहा है कि फर्जी वीडियो वायरल हुए हैं। कुछ ऐसा भी हुआ है कि कस्टमर्स जो खुद ब्लैकमेलिंग के उससे आते हैं या किसी दुकानदार से दुश्मनी का भाव रखते हैं, मालूम पड़ा वो खुद बाल डाल देते हैं, मक्खी डाल देते हैं, मच्छर डाल देते हैं और FSDA को शिकायत कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए कि झूठी खबरें होती हैं। और हमारी पिछले दिनों फूड ऑफिसर्स के साथ में मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने खुद इस बात को माना कि हम खुद जानते हैं कि 80-90% शिकायतें झूठी होती हैं और दुर्भावना से प्रेरित होती हैं। इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CV न्यूज़ पर।